अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दही धुआं गोश्त, जो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। धुआं गोश्त बनाने के लिए पैन में डालेंगे आधा कप तेल और इसे गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 4 तेज पत्ता, 1 चक्री फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 हरी इलायची डालकर मसालों को खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। मसालों से खुशबू रिलीज होने पर ऐड करेंगे 1 किलो गोश्त। और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज की फ्राई की गई प्याज। एक टमाटर की प्यूरी, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक डालें और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 25 से 30 मिनट पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। इसे पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। गोश्त अभी थोड़ा और गलेगा, इसलिए इसे 10 से 15 मिनट और ढककर पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब आंच तेज कर लेंगे और गोश्त का पानी अच्छी तरह सूखने तक भून लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। गोश्त अच्छी तरह भून चुका है। आंच को स्लो कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून दही। और इसे स्लो आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, प्याज की रिंग, धनिया पत्ता,
हरी मिर्च, अदरक के जुलियंस और इसे मिक्स कर लेंगे। अब आंच बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। हरी मिर्च, धनिया पत्ता, दही गोश्त को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें रखेंगे छोटी कटोरी। कटोरी में डालेंगे जलता हुआ कोयला। अब डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दही धुआं गोश्त तैयार है सर्व के लिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।